हेलो फ्रेंड्स, भावना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी चिकन रेसिपी। तो देखिए दोस्तों, चिकन रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने मार्केट से हमने 1 kg चिकन लेके आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसको हम पानी डाल के धो लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस तरीके से हम इसको धो लेते हैं। हम इसको मटन को जितना ही अच्छे, चिकन को जितना ही अच्छे तरीके से धोएंगे, उतना ही हमारा चिकन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। इस तरीके से इसके अंदर कुछ आ जाता है, इसे हमें निकाल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसको हम पानी डालकर धो लेते हैं अच्छी तरीके से। चिकन को हमें अच्छी तरीके से धोना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम चिकन को धो लेते हैं। अब हम गैस को ऑन कर दिया, पतीले को गैस पे रख दिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी तड़के के लिए जीरा। जीरा डालने के बाद जीरे को हमने भुन चटकने देना है। चटकने बाद में इसके अंदर तेज़पत्ता और दालचीनी डाल देती हूँ। दालचीनी डालने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ प्याज, टमाटर, मिर्च। इनको अच्छे से तरीके से डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लहसुन भी इसके साथ ही डाल देती हैं, क्योंकि हम चिकन इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाकर खाइए, क्योंकि फ्रेंड्स चिकन हमें सर्दियों में ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स चिकन खाने से हमारे जोड़ दर्द, कमर दर्द में हमें बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब इसके अंदर डाल देती हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो फ्रेंड्स, मटन अचार में हम जितने ही मिर्च पाउडर ज़्यादा डालेंगे, उतना ही हमारा मटन अचार है वो अच्छा बनेगा। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ स्वादानुसार नमक। तो फ्रेंड्स, आज हम मटन अचार हमारी दादी जी और नाना जी बनाते थे, उस तरीके से आज हम लोग मटन अचार बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लगातार बने रहें। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम ग्रेवी बना लेते हैं मटन अचार के लिए। तो फ्रेंड्स, देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारे, देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम ग्रेवी को इस तरीके से, हम इसको मटन अचार को भी है मैंने पानी के अंदर चूल्हे पे उबाल लिया है। तो अब हम मटन अचार को है वो इस मसाले के अंदर डाल देती हूँ। इस तरीके से इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके अंदर थोड़ा पानी डाल देते हैं, हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। हम इसके अब हरा धनिया डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मटन अचार है हम बाजरे की रोटी के साथ खाएंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पे सर्दियों के अंदर बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से मटन अचार बनाकर जरूर खाएँ। इस तरीके से हम अब इसको एक बाउल के अंदर सब्जी को डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी एक बार घर पे आसान तरीके से मटन अचार बनाकर जरूर खा सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से हमने आज मटन अचार बनाया है। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो बनाने की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, धन्यवाद।